हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास बी सेकेंड ही ईयर है और आज मैं आपको आपका जो फोर्थ टॉपिक है पामेला वो करवाने जा रही हूँ। पामेला एक नॉवल है, एक जो सर्वेंट है उसका नॉवल है जो उस टाइम में घरों में रखी जाती थी और उसका अपने जो लैंडलॉर्ड है उसके साथ अफेयर दिखाया गया है। तो एज अ सब टाइटल इंडिकेट व्हाट मैनी कंसिडर द फर्स्ट नॉवल इज कंसर्न्ड विद विचर रिवॉर्ड। पामेला का सब टाइटल क्या था? विचर रिवॉर्ड। डिवेलप्ड थ्रू द टाइटल करेक्टर्स डेली एंट्रीज दैट प्लॉट इज लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल। पामेला और विट्रियस यंग वुमेन इज अल्टीमेटली रिवॉर्डेड बाय मैरिज टू अ वेल्थी मैन मिस्टर बी। तो इसमें क्या दिखाया गया कि ऑटोबायोग्राफी है पामेला की, जो कि एक यंग लड़की है, वो एंड में उसको रिवॉर्ड मिलता है कि उसका जो लैंडलॉर्ड होता है मिस्टर बी उसके साथ उसको एक्सप्लॉइट करता है, पर एंड में वो उसके साथ मैरिज करने के लिए तैयार हो जाता है। अलॉन्ग द वे हर इननेट गुडनेस स्ट्रांगली अफेक्ट हिम टू रिफॉर्म हिज वंस डीबज्ड वेज एंड ही प्रूव्स अ वर्थी हस्बैंड टू हर। और उसकी गुडनेस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि मिस्टर बी को ये लगता है कि मैं इस लड़की के साथ गलत कर रहा हूँ, तो वो अपने गलत कामों को पश्चाताप करने के लिए उसके साथ शादी कर लेता है। सैमुअल रिचर्डसन ओरिजिनल वर्जन पब्लिश्ड इन 1740, इसका राइटर है जो वो रिचर्डसन है जो 1740 में नॉवल पब्लिश हुआ था। ओनली टेक्स पामेला थ्रू हर यंग एंड मैरिज, इसमें दिखाया गया कि पामेला यंग है और मैरिज करवाती है। ही फॉलोड दिस विद एन अपडेट इन विच पामेला गोज थ्रू नंबरियस एडवर्टाइजमेंट्स इन लर्निंग टू लिव एज ए लेडी एंड मैनेज द स्टेट्स हाउस होल्ड। अब एक बहुत अमीर आदमी के साथ उसकी शादी हो जाती है तो वो सीखती है कि उसको कैसे रहना है और कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करना है। 15 years old when the story, जब ये स्टोरी शुरू होती है तो वो 15 साल की होती है। पामेला इज सेंट टू बेडफोर्डशायर टू बिकम अ लेडीज मेड, उसको इस शहर में भेजा जाता है जहाँ पे वो एक सर्वेंट का काम करती है। पामेला बिकेम्स फाउंड ऑफ द वेल्थी लेडी बी, वो मिस्टर बी की जो वाइफ होती है उसके लिए रखी जाती है तो वो बहुत ही उसको प्यार करती है। बट वैन द लेडी डाइज, पर जब वो लेडी मर जाती है, हर सन एंड हेयर द डिसोल्यूट मिस्टर बी टेक्स ओवर, तो उसका जो लड़का होता है मिस्टर बी का उसको छोड़ के चला जाता है। वैन ही अटैम्प्ट टू सेक्शुअली असॉल्ट हर, पामेला फ्लीज ओनली टू बी रिटायर टू बी द स्टेट एंड हिज कंट्रोल। जब वो उसके साथ सेक्शुअली उसको असॉल्ट करता है तो वो वहाँ से चली जाती है ओनली टू बी रिटायर टू द स्टेट एंड हिज कंट्रोल, और वो मतलब उसके कंट्रोल में रह जाती है। द हाउस कीपर जो होती है मिसिज जर्व्स प्रोवाइड्स मॉरल सपोर्ट, बट मिसिज जीवर्स द फॉर्मर स्टेट्स केयर टेकर ट्राई टू कंट्रोल पामेलाज एवरी मूव, इवन शर्टिंग हर ओन। पर जो वहाँ के बाकी नौकर होते हैं वो उस पर कंट्रोल रखते हैं कि ये कहीं भागे ना। द बोस सेक्शुअल मिसकंडक्ट कंटिन्यू, और जो बोस होता है मिस्टर बी होता है उसका सेक्शुअल जो असॉल्ट होता है वो कंटिन्यू रहता है। बट वाइडली द अल्टीमेट वेपन प्योरिटी एंड राइटनेस पामेला प्रिवेल वंस सिक्योर बी फ्रीज हर फ्रॉम हर कॉन्ट्रैक्ट। शी वंडर्स वेदर ही इज सो बैड आफ्टर ऑल ही मिसिज हर। अब पामेला को मौका मिल जाता है उसके कॉन्टैक्ट से भागने का, वो भाग जाती है, पर उसके जाने के बाद जो मिस्टर बी होता है वो पामेला को याद करता है, रिफॉर्म्स एंड मैरिज हर, और उसको बुलाता है वापस और उसे शादी करता है। ऑल थ्रू दीज ऑर्डील्स पामेला कीप अ डायरी एंड द इंटायर, जो उसके पास उस टाइम में डायरी होती है और वो अपनी सारी जो ऑटोबायोग्राफी है उस डायरी में लिख रही होती है, जिससे वो एक नॉवल बन जाता है। वंस मैरिड, जब उसकी शादी हो जाती है, पामेला इन हर न्यू पोजिशन ऑल्सो मस्ट कंटेंट विद मिस्टर बी सिस्टर। पामेला की शादी के बाद वो अपनी सिस्टर इन लॉ जो होती है मिसिस डेवर्स उसके कॉन्टैक्ट में रहती है, हु थिंक्स शी इज टू लॉयली टू बी हिज वाइफ, वो सोचती है कि ये मेरे भाई की पत्नी नहीं होनी चाहिए थी। इन एडिशन हर हस्बैंड रिवील्स ही हैज एन इलिजिटिमेट डॉटर फ्रॉम अ प्रीवियस अफेयर, तो वो भी कहता है कि वो मतलब उसका हस्बैंड जो होता है उसकी सिस्टर इन लॉ का, वो भी कहता है कि ये इलिजिमेट डॉटर है उनके प्रीवियस अफेयर से। आफ्टर मीटिंग ओवर फैमिली मेम्बर्स एंड विनिंग दैम ओवर पामेला बिकेम प्रेग्नेंट, सभी फैमिली मेम्बर से मिलने के बाद सब ठीक है मान जाते हैं कि हाँ ये शादी होनी चाहिए, तो पामेला प्रेग्नेंट हो जाती है। वैन दे मूव टू लंडन
जब वो लंदन जाते हैं, हर प्रॉब्लम डू नॉट एंड, उसकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती पामेला की, बिकॉज शी लर्न हर हस्बैंड हैज़ नॉट रियली रिफॉर्म्ड. उसको लगता है कि उसका हस्बैंड उससे प्यार नहीं करता, ही इज़ हैविंग एन अनदर अफेयर. उसको लगता है कि उसका हस्बैंड किसी और से अफेयर कर रहा है. वंस डिस्कवर्ड, जब उसको पता चलता है, ही अपोलोजाइज एंड मिस प्रॉमिस टू रिफॉर्म. तो फिर उस मिस्टर बीच उससे माफ़ी मांगता है पामेला से, और उसको कहता है कि मैं तुम्हारा ही रहूँगा. द वीरियस पामेलाज नॉट ओनली फॉरगिव हिम, जो पामेला उसको सिर्फ माफ़ी नहीं करती, बट ऑल्सो टेक हिज डॉटर इन टू हर होम टू राइज हर अलॉन्ग विद हर ओन सन. तो उसकी जो मिस्टर बी की जो लड़की है उसको भी साथ में रखते हैं और अपने लड़के को भी साथ में रखते हैं, और इस तरह से वो इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं. ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा. कहीं प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे.